हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में जो है फाइंड माई डिवाइस को कैसे ऑफ यानी बंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास है ओप्पो का फ़ोन है। आपको ऊपर स्क्रॉल करना, आपको इस तरीके के आइकन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ जाना है सेटिंग के आइकन पर। उसके बाद आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं। आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। आपको जाना है सिक्योरिटी के ऑप्शन पे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जाना होगा फाइंड माई डिवाइस के ऑप्शन पे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ फाइंड माई डिवाइस जो है पहले से चालू यानी ऑन। अगर आप बंद करना चाहते हैं, सॉरी, तो इस तरीके से फाइंड माई डिवाइस को जो है बंद कर देंगे। यानी अब अपने फ़ोन को आप फाइंड माई डिवाइस के ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका फ़ोन आप कहीं गुम हो जाता है तो आप फाइंड माई डिवाइस के ज़रिए नहीं ढूंढ सकते। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।